बोडा कहते हैं माइक्रो वो कार्स गाड़ी लाइक वी इट्स इन इंडिया हिंदी वाओ स्वागत है फिर से केनिया में। हम लोग इतने दिन कर रहे थे पहले टूर जो कि था ट्रैवल लाइक के साथ, अभी टूर हो चुका है, अभी वक्त है अपना स्टाइल में एक्सप्लोर करने का। तभी मैं आ गया हूँ इस नेबरहुड पे जो कि काफ़ी सही नेबरहुड है एक्चुअली बोला जाए तो। अभी हम लोग है फिफ्थ फ्लोर पे और मैं कर रहा हूँ कॉक सर्फिंग, रह रहा हूँ एक जन के साथ और वेदर बहुत ही बढ़िया है। होटल से मैं आ गया था मोटो टैक्सी करके, नहीं टैक्सी करके ऊबर करके, ऊबर चलता है इधर और उतना महंगा नहीं, इंडिया जैसे प्राइजेस है, बढ़िया है। लोग काम से वापस जा रहे या फिर काम पे जा रहे हैं और जी हाँ कचरा तो है। इतना दिन हम लोग जिस एरिया में रह रहे थे वहाँ पे कचरा नहीं था, कचरा है पर वेस्ट अफ्रीका ऐसा कचरा नहीं है, कचरा बहुत ही कम है। और ये नेबरहुड ऐसा है और आप लोगों से मिला दूँ मेरी होस्ट से जो कि है नायोमी। तो व्हाट्स योर नेम? और ये है इनका घर और आज हम लोग देखते हैं क्या क्या करने को मिलता है बट मजा आने वाला है। हाउ डू से आफ्टरनून इन स्वाहिली? हबरिया, ओह माय गॉड, अल्फाजीर, ओके नो अल्फाजीर इज नॉट स्वाहिली, ओह माय गॉड आई डोंट नो। लोगों को ना बेस, सो यू स्पीक स्वाहिली विद योर फैमिली एंड स्वाहिली इज नॉट इट, इट्स द लाइक वी स्पीक स्लैंग ऑफ इट। ओके so you say niaje poa, that's slang. But do you have a whole conversation with someone in Swahili sometimes? Yeah, those people who know are very good Swahili, like fluent. But so for some of us here in Nairobi, we just go with the flow. So how would you greet someone? Hey, good afternoon. I'd say hujambo. Hujambo. Sijambo. Then I would say sijambo the other person. So that's the easiest. Hujambo, sijambo. It's afternoon and good night. No, that's a normal greeting. Ah, like jambo. Yeah, jambo. Yeah. And how to say bye bye, like good night. Kwaheri. Kwaheri. So ऐसा ही होता है, बाकी जितना सीखने को मिलता है बता दो आप लोगों को, मजा आने वाला है। केनिया में फिर से अभी प्रॉपरली एक्सप्लोरिंग शुरू होने वाला है। स्वागत है एक्सप्लोरर के साथ केनिया में। तो हम लोग बाजार में आ गए और शाम के बज रहे हैं अभी 6, सनसेट हुआ नहीं है, अक्टूबर का महीना है। वैसे कहीं आप बताऊं तो बाकी वेस्ट अफ्रीका ऐसे लग रहा है बट उससे ज़्यादा साफ और उससे कम लोग, मेरे को लगा था कि ज़्यादा लोग मिलेंगे। वैसे यहाँ के खाने में चपाती और समोसा बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत लोग चपाती और समोसा खाते हैं, हालांकि समोसा में बीफ रहता है, समोसा में आलू वाला नहीं होता है, सो वो खाने का ऑप्शन से निकल जाता है हमारे लिए। और देखो कचरे देखने शुरू हो गए, उधर आप लोग को दिख जाएगा चर्च। एक्चुअली केनिया का आई थिंक 80% इज क्रिश्चियन, और हाउ मेनी परसेंट ऑफ केनियंस आर क्रिश्चियन? मतलब 340 क्रिश्चियन है और बाकी लिटिल बिट मुस्लिम्स। द पीपल हु डोंट फॉलो एनी रिलीजन? Yeah, there are people, no? ऐसे भी लोग हैं जो रिलीजन फॉलो नहीं करते, कम होंगे एनिमलिस्टिक टाइप के, पर ज़्यादातर क्रिश्चियन ही है, उसी वजह से आपको हर जगह पे इधर चर्च ही चर्च दिखेंगे। नाम ही योर क्रिश्चियन है? योर क्रिश्चियन? क्रिश्चियन? या? यू? या मैं, आई एम अ क्रिश्चियन। या। सो चिल डे यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है और हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। वेयर आर वी गोइंग नाउ? We're going to the mall. Okay. It's called Garden City Mall. चलो यार मॉल दिखते हैं कैसा होता है केनिया का मॉल। हर अफ्रीकन देश में बसेस को ना अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कहाँ पे मेरे को याद नहीं आ रहा, टोपो टोपो या फिर कुछ बोलते थे, यहाँ पे कहते हैं मटाटू। तो बसेस इज मटाटू एंड मोटरसाइकिल बोडा। बोडा व्हाई? बिकॉज व्हेन आई ओपन्ड द उबर ऐप इट वाज सेइंग बोडा, लाइक व्हाट इज बोडा एंड बोडा इलेक्ट्रिक। हम लोग कहते हैं ना बट बट्टी या फिर कुछ भी, तो वैसे यहाँ पे बोडा कहते हैं। माइक्रो कार्स गाड़ी लाइक इट्स इन इंडिया हिंदी गाड़ी। सच में यार गाड़ी को गाड़ी कहते कहने में ये तो मेरे को पता ही नहीं था, तो ये बढ़िया है।
तो गाड़ी को गाड़ी कहते हैं, बस को कहते हैं बोडा, नहीं हाँ बस इज बोडा, बस इज मटाटू, बोडा इज मोटरबाइक एंड गाड़ी इज कार, गाड़ी इज गाड़ी कार, स्मॉल कार एंड ट्रक लॉरी वी ऑल्सो से लॉरी. This is, really? Yeah, we say lorry to trucks and we say gari to cars. This is, maybe you guys language, took it from us. Maybe you took it from here. Yeah. Maybe you took it from us. Could be any either one, but it's nice to know it's same. Yeah. तो कुछ नई चीजें पता चली, पर एक चीज जो मेरे को पहली बार पता चल गया था सेनेगल में अफ्रीका में जाने के बाद, कि आप लोगों ने पहले देखा था कि नामी के बाल ब्राउन कलर के थे, अभी सफेद हो गए क्योंकि इनके एक्चुअली बाल है ही नहीं, ये सारे आर्टिफिशियल एक्सटेंशन. How much is cost? 5,000 शिलिंग, मतलब 2,500 रुपए का. एंड हाउ लॉन्ग दे स्टे, लाइक हाउ मेनी इयर्स? इट डिपेंड्स विद द हाउ यू टेक केयर ऑफ इट, बट यू कैन स्टे विद इट इवन 2 इयर्स, 3 इयर्स. 2 टू 3 इयर्स. यार हाउ मेनी यू हैव? 2. 2? या हर कोई अपना रूप बदलती रहती है. एंड आईडी में जो भी बाल हो, रियल लाइफ में अलग बाल हो सकती है. 5 फीट पहले गोल्डन था, अभी वाइट है, उसके बाद लाल हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी हो जाएगा. तो सब इनके नहीं है, एवरी गर्ल इज सेम, सबका सेम है इधर, ऐसा ही, ऐसा ही सीन है, समझ गए ना. और ये गार्डन सिटी मॉल, यहाँ का बढ़िया सा मॉल है, बड़ा मॉल है. इधर प्राइसेस क्या पता करते हैं. वैसे तो हम लोगों ने कल KFC में खाया था और एक बर्गर आया था फ्राइज के साथ, लगभग 500 सिलिंग यानी कि 250 रुपये में. थोड़ा महंगा है बट उतना महंगा नहीं है, या फिर हो सकता है. और देखो अभी हम लोग शॉपिंग करने आ गए थे और यहाँ पे मेरे को बाल दिख गए. देखो 630 यानी कि 330 रुपये में ये बाल मिलेंगे. हाउ लॉन्ग दिस विल दिस वंस लास्ट? मेबी अ मंथ व्हेन दे आर स्पॉइल्ड. ओके ओके. बट व्हेन यू टेक बाथ यू ओपन देम राइट? व्हेन यू डू इट? व्हेन यू शावर? नो, दिस वन इज सील्ड इन. यू हैव टू डू योर कंट्रोल फर्स्ट, देन यू सील देम इन एंड यू हैव देम ऑल द टाइम. ओके, ऑल द टाइम. सो दे डोंट लास्ट लॉन्ग. ओके ओके. और ये चश्मे हैं 200 शिलिंग के यानी कि 100 रुपए के, ऐसा ही रेट चला इधर. ये जो फिश देख रहे हो ना आप, ये छोटा वाला है, कितना लीटर का होगा? 190 भी नहीं होगा. ये आ रहा है 25,000 का. दिस थिंग विल कॉस्ट इन इंडिया 25,000. 25,000? 25. Yeah, it's a little you guys don't produce, we produce them, that's the difference. Bring me some. Bring you some like in my carry on, right? When you're coming to India, you should buy. ऐसे LG वाला है ना, 190 वाला, ये almost 50,000 का है. ये अपने यहाँ 20,000 का तो आराम से मिल जाएगा. Yes. Wow. I wish we were producing them. तभी एक सिनेमा हॉल पे आ गए और यहाँ पे इतने सारे मूवीज आप देख सकते हो, पर इनमें से कोई भी केनियन मूवी नहीं है, सारे हैं हॉलीवुड वाले मूवीज़. देख सकते हो, मतलब आज के दिन में जिसका खुद का इतना बड़ा देश है, दुनिया के टॉप 20 देशों में आता है केनिया शायद, पर इकोनॉमी भी ठीक ठाक ही है. बट यार अब मूवी नहीं बनाते, ये थोड़ा कैसा लगा मेरे को. अपना भाई इंडिया महान. दिस इज नॉट द नाइट लाइफ, लाइक इन द नाइट. Nightlife means clubbing, party and really? Yeah. No, nightlife is just a little night. पता नहीं यार क्या बोल रही है. It's only that everyone is used to clubbing, nightlife. तो ये पूरा बाजार का एरिया है, देख सकते हो चीज़ें बिक रही है यहाँ पे. यहाँ पे मुर्गी बिक रहा है और यहाँ पे कुछ चीज़ें बिक रही है जैसे कि टमाटर हो गए, लहसुन हो गए, नींबू हो गए, केले हो गए. ये बड़े बड़े केले हैं, ऐसा मार्केट है यहाँ पे. वैसे प्राइसेस अगर देखा जाए तो इंडिया ऐसे ही. वहाँ पे कोयला भी बिक रहा है बहुत जगह पे, देख सकते हो. यहाँ पे कोयले से बहुत कुकिंग की जाती है, तो क्योंकि कोयले का कुकिंग होता है, जो से बिकाया था. मुर्गी का दाम मैं बाद में पता करता हूँ, पहले तो यहाँ पे किसी चीज़ का दाम नहीं लिखा है. पर यहाँ पे देखो नंबर दिया हुआ है पैसे भेजने के लिए. यहाँ पे ना अपने ऐसे UPI होता है, UPI तो अभी आया है, हम लोग का 5 साल हो गया, पर यहाँ पे बहुत सालों से चल रहा है M-Paisa. M-Paisa क्या होता है? मोबाइल में पैसा. जैसे एयरटेल ने भी शुरू किया था ऐसे M-Paisa करके, फिर यहाँ का ही कंपनी एयरटेल ने इधर भी काम करता है, पर एयरसेल M-Paisa इंडिया में उतना हिट नहीं हुआ. इंडिया में तो बस अपना वही चलता है, क्या कहते हैं, UPI, बैंक से बैंक. M-Paisa में क्या होता है, आप अपने फ़ोन का जो बैलेंस है उसमें पैसे डालो
और वहाँ से आप ट्रांसफ़र करो। हर कोई फ़ोन से पैसे भरता है, कोई अलग अलग से पैसे नहीं भरता है, कोई पैसे कभी नहीं करता है। सो नो वन कैरीज कैश? नो। देखा, सो ओनली फोन इज़ योर एवरीथिंग। पहली बार मेरे को इधर वेज समोसा दिख गया, चलो देखते हैं कैसा होता है। मुझे फ्राइड और यार इतने गाँव माता ना हो जाए, फिर तो एल हो जाएंगी। हाँ बस आलू भर गया। शिलिंग यानी कि 10 रुपए का वेज समोसा मिल गया जो कि अच्छा था, मतलब बढ़िया बात है। और यहाँ पे ना देसी चिकन मिल रहा है 800 शिलिंग का यानी कि 400 रुपए का। एंड नाउ शी इज गोना कुक डिनर। हाँ, व्हाट्स द व्हाट्स ऑन डिनर टुडे? आर वी डूइंग चिकन। व्हाट चिकन? नैरोबी चिकन और केनियन चिकन? केनियन चिकन। तो वो चिकन बनाएगी और मैं थोड़ा बलून्स और कैंडल्स लगाता हूँ, ज़्यादा लाए नहीं, थोड़े बलून्स लाए, देखते हैं कैसा माहौल बनता है। आज है 14 फरवरी वैलेंटाइंस इवनिंग, आप लोगों का कैसा गया आपको बताना कमेंट्स। वाओ, तो कल रात के डिनर के बाद आज हम लोग सुबह अकेले एक्सप्लोर करने आ गए केनिया में, नैरोबी में। हम लोग रहने वाले यहाँ से बस और जाने वाले शायद जिराफ सेंटर की तरफ। सुबह के 11 बजे रेट पर फील आ रहा है कि दोपहर के 3 है, क्योंकि यहाँ पे दिन बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अभी बस लेने की कोशिश करेंगे। वैसे ऊबर तो है बट हम लोग थोड़ा दूर है, और सिटी के जिस साइड में हम लोग हैं अपोजिट साइड में है जिराफ सेंटर, तो बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ेगा। बसेस के अलग अलग टाइमिंग के अलग अलग पैसे लगते हैं, पर अब तो ऑफ टाइम चल रहा है। 60 शिलिंग लेने वाला था, बढ़ लिया सिर्फ 50 यानी कि 25 रुपये। और इस बस पे हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर के पास। साधारण सा बस है, हालांकि 2 जन का सीट है पर 2 जन बैठने में तकलीफ हो रही है। लग रहा है कि जो पुराने स्कूल बस होते थे ना, थोड़े पतले पतले वैसे। सभी ट्रैवल कर रहे और कोई टेंशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अफ्रीका घूम चुका हूँ, वेस्ट अफ्रीका में, तो अभी तो सही है इधर। पर ऑफ टाइम होने के अलावा भी बहुत ट्रैफिक जाम है। तो बस ने हमें सिटी सेंटर के आसपास उतार दिया है, आधा घंटा लगा सिटी सेंटर पहुँचने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे बसेस हैं, तो सरप्राइजिंगली गूगल मैप काम कर रहा है इधर, तो बसेस के नंबर तो पता आ रहे हैं, पर नंबर से फ़ायदा तो नहीं पता क्योंकि बसेस पर नंबर नहीं लिखा है। पूछ पूछ कर जाना पड़ेगा आप लोगों से कि यार वहाँ जाने के लिए बस कहाँ है, वहाँ जाने के लिए बस कहाँ है। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सेंटर, थोड़ा कॉफ़ी ऑफिस लेने मिलेगा तो बढ़िया है, वरना चलेंगे जिराफ सेंटर की तरफ जो कि है नैरोबी का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्शन। तो ये बस नंबर 24 जिसके लिए हम लोगों ने 80 शिलिंग यानी कि 40 रुपये यहाँ से आ गए हम लोग आरटी पोस्ट, और यहाँ भी है द जिराफ सेंटर। आने के लिए लगभग 45 मिनट 1 घंटा लग गया। अब यहाँ पर कुछ खाते हैं और खाने के बाद जाते हैं जिराफ सेंटर। उस फैंसी से कैफे पे गया था, कुछ ढंग का खाने को था नहीं, उनसे पूछा यार कोई रेस्टोरेंट है कि नहीं, पता नहीं है, पर मिल गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 150 शिलिंग दे के गुआकामोली के साथ खा लिया अच्छा सा। 150 शिलिंग का मतलब हो जाता है लगभग 75 रुपये। तो इधर काम बन गया, खाना पेट भर गया। गुआकामोली मेरे को बहुत पसंद है, इनको पता नहीं एवोकाडो मेरा तो सबसे फेवरेट फ्रूट है। अभी चलो जिराफ सेंटर की तरफ। उस रेस्टोरेंट से जहाँ पे बस छोड़ दिया था मेरे को, वहाँ से 1 किलोमीटर वॉक करते करते आ गया यहाँ पे। एक देखो एक होटल है जिसका नाम है जिराफ मैनोर। अब इस होटल का क्या खासियत है आपको बताता हूँ। इस होटल में ना आप रह सकते हो, आपके रूम पे आएगा जिराफ आपके विंडो पे, और खाना वाना खिला सकते हो, ऐसा सीन है यहाँ पे। मस्त होटल है पर बहुत महंगा है, काफ़ी महंगा है। एक रात का आई थिंक 1 लाख रुपये के आसपास होगा, मैं चेक करके बताऊँगा। तो सिक्योरिटी चेक के बाद पहला चीज़ हुआ कि यहाँ पे आपको साबुन से हाथ धोने का बोला। चलो ठीक है, हाथ धो लिया। और यहाँ पर पैसे देख सकते हो, शाम के हफ्ते के 7ों दिन 1500 करके अपने लिए, और बच्चों के लिए 750 करके 12 साल तक, और लोकल्स के लिए तो 400 बहुत सस्ता है। 1500 यानी कि आज के दिन में अगर मिला लो तो हो जाता है तकरीबन
तकरीबन 750 रुपये, तकरीबन $10 के आसपास लग जाता है ये एक्टिविटी का। ऐसे में दूसरा एनिमल होता तो शायद ना करता, बट क्योंकि मेरा जिराफ मेरे को बहुत पसंद है तो ये तो बनता ही है। और आप अफ्रीका घूमने आ रहे हो, केनिया घूमने आ रहे हो, तो केनिया तो महंगा ही होगा। हेलो, what is this? Giraffe food. Giraffe food? Yeah. Okay. So what should I do now? So you just go to this atam and in the exchange that feed them. Okay. Yeah. This way? Yeah, that's it. This way out. No. It says way out. No, this one is the way. Okay. यार यहाँ पे खाना दे दिया ऐसा जिराफ के लिए खाना, ये सबको एक एक कटोरी दे रहे हैं। आप ये जिराफ को खिलाओ और उसका मजे लो, वीडियो बनाओ। सही है। यार इतने पास से जिराफ देखने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग काफ़ी ऊंचे खड़े ताकि जिराफ के मुंह के लेवल पे आ जाए, ऐसे खिलाना पड़ता है खाना इसको। मस्त सीन है। अच्छा, हाथ से उंगलियों से नहीं, अपने उससे खिलाएंगे। वहाँ पे कुछ और जिराफ भी है जो अभी आ रहे हैं, लोग देख के खाना खाने के लिए आ रहे हैं। ओ हो, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है यार। यहाँ पे यार 9 जिराफ है टोटल और डेली इनको खाना खिलाया जाता है। बहुत लोग हो गए यहाँ पे। I've started. Go on. Head up, head up, head up. Salma, head up. Jumbo. Ah, no. Keep the pace, keep the pace. In the camera, I'm capturing everything from the top to bottom. I'm capturing everything. मजे करने के लिए आप लोगों को ये नहीं आना पड़ेगा। मजा आ रहा है क्या? नहीं आ वैसे ये सेंटर बहुत ही छोटा है, मतलब आप देख सकते हो छोटा सा एरिया है। यहाँ पे 9 जिराफ है और यहाँ पे एक कैफे शॉप बना है और इधर एक विजिटर सेंटर आप कुछ देख सकते हो। ऐसे 50 साल पुराना है और 750 रुपये तो पूरे वसूल है क्योंकि इतने मज़ा आ रहा है। बाकी भीड़ अभी थोड़ा ज़्यादा है, भीड़ अगर कम हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वहाँ से आप लोग आराम से कॉफ़ी स्नैक्स ले सकते हो। जनरली क्या होता है ये सब दूसरी जगह पे खाना महंगा होता है पर यहाँ पे एकदम ही नहीं है। अमेरिकानों मिल गया मेरे को 120 रुपये में, यही 240 सीलिंग। और यहाँ पे ऑमलेट मिल रहा है 70 रुपये में, बर्गर मिल रहा है 200 रुपये में, जो कि नॉर्मल प्राइस है यार। ये सब जगह पे ऐसे ही प्राइस होते हैं, मतलब दुनिया में। मेरे को लगा यहाँ पे महंगा होगा, बाहर का जो मॉल था ना उससे भी यहाँ पे सस्ता है। तो यार मज़े करो, यहाँ पे जाओ तो लंच भी कर सकते हो। लंच करते करते सामने जिराफों को देखना। हालांकि यहाँ पे एक दल आ गया है अपने, क्या बताऊँ, उनके दल आ गए। इनके दल के वजह से शांति थोड़ा ख़राब हो गया, बट जिराफ देखो और मज़े करो। तो इधर सारे नाम हैं जिराफ और उनके उम्र है। इसे इसमें से जो 3 नंबर है ना, एडी 12 साल का, वो सबसे उम्र का है, मतलब सॉरी सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे बड़ा है। और ये एक्चुअली ब्रीडिंग सेंटर है, तो मतलब क्या हुआ, जिराफ इधर आते हैं और जिराफ इधर क्या कहते हैं, इनका बच्चे बनाए जाते हैं, ब्रीड किया जाता है और फिर वापस जंगल में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो जिराफ आप देख रहे हो, अपने जीवन में कभी कभी जंगल में रहा है, वापस यहाँ पे लाया गया है, वहाँ पे ब्रीडिंग के बाद लड़कियों को फिर से वापस जंगल में ले जाया गया होगा। वो उनके जिराफ के बॉडी पार्ट्स जैसे आप देख सकते हो, वो है पैर का फीमर, वो है जबड़ा,
और ऐसे कुछ कुछ पार्ट्स हैं। अच्छा एक्सप्लेनेशन होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे छोटे मोटे सुविधा बिक रहे हैं। जैसे ये जिराफ मान लो 1650 शिलिंग के बिक रहे हैं, हम लोगों ने लिए थे 200 शिलिंग के। ये 800 रुपये बिक रहे हैं, हम लोगों ने 100 रुपये में लिया था। मतलब इधर तो लूट मची है और यहाँ का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं है जितना मसाई मारा के विलेज में हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ से कुछ और देखना तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। और अभी आते वक्त हम लोगों ने फिर से बस ले लिया, बस नंबर 24 और इसका दिया 100 शिलिंग। अभी हाई टाइम है तो प्राइस थोड़ा बच जाता है, 19-20 का फर्क है, अभी 100 हो गया। और रात में हॉल तो जैसा है, 7 बज गए, सनसेट हो चुका है, मैंने जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया। अभी घर जाने के लिए जो बस है मैं कन्फ्यूज हूँ, उसलिए मैंने ऊबर मंगवा लिया, ऊबर। तो ये ऊबर लिया आप लोगों ने? नो नथिंग, इलेक्ट्रिक वाला है ये। यू हैव चार्ज ब्रो? यू हैव इनफ चार्ज? या ओके, अब 70%। ओके नाउ सर, व्हाट इज द टॉप स्पीड? 100। नो, दिस कैन गो 100 किलोमीटर पर आवर? या नो, आई डोंट बिलीव। How much you have done? 80. And how much is the price of this vehicle? The price of this? Motor? Boda? Yeah, how much you buy? Oh, you don't buy this? Yeah, you walk over. Okay. How much is the salary then? 25,000 saving? Yeah, 12,500 rupees inka lagwa hai. Inka khud ka gaadi nahi hai, Uber ka hi gaadi hai. Kyunki ye sab electric wala mehanga hoga. ये हमें अभी 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहे हैं 300 सिटी के आसपास, यानी कि 150 रुपये, 150-160 रुपये के आसपास, क्योंकि 10 किलोमीटर के लिए बाइक में सही लग रहा है ना मेरे को, आप लोग बताओ। वैसे इसमें वेदर अच्छा है और भी देखने का मौका मिल रहा है। अगर आप केनिया आ रहे हो तो मेरे मुझे 2 दिन से ज़्यादा 3 दिन होगा तो रुक सकते हो, वरना मुझे जिराफ देखा हम लोगों ने और नैरोबी नेशनल पार्क तभी जाओ अगर आपने मसाई मारा का सफर नहीं किया है, वरना तो कोई मतलब नहीं बनता। अभी बच्चे अगले जगह पे आज के वीडियो से खत्म करते हैं और फिर दिखाएंगे कन्या के और भी पार्ट्स।